नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और हम खड़े हैं सेवन किंगडम के प्रांगण में। आप देख पा रहे हैं ये, यहाँ पे आप अपने समस्त परिवार के साथ आइए। बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका जागरण फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से है, जो कि पूरे के पूरे निःशुल्क है। इसका कोई चार्जेस आपको नहीं देना होगा। और यहाँ पे आपको बता दें, दूसरे कई मुल्कों का फिल्म और कल्चर ट्रेडिशंस को आप देख करके समझ पाएंगे। तो ये मौका को ना गंवाएं। जैसे कि मैंने बताया कि निःशुल्क है, तो आइए इसका आनंद उठाइए अपने परिवार के साथ। तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के। हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो है पास हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका पूरा आनंद उठा सकते हैं। अपने फैमिली फ्रेंड्स हर किसी के साथ आएँ और इस खास मौके का पूरा पूरा लाभ उठाएँ। इसका उद्देश्य क्या है, जागरण फिल्म फेस्टिवल जो प्रथम बार करवा रहे हैं? ये उद्देश्य हमारे बीच मौजूद हैं दैनिक जागरण के नेशनल ब्रांड एंड स्ट्रेटेजी मैनेजर तरुण गोस्वामी, वो बताएंगे इस बारे में बेहतर। ये फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य जो है, वो चाहे कोई भी फिल्म फेस्टिवल हो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो, नेशनल हो, या जो हम लोग कर रहे हैं पिछले 11 साल से, फिल्म फेस्टिवल का मतलब ये है कि कम से कम सिनेमा में जब आप चीज़ों को देखते हैं ना बड़ी स्क्रीन पे, तो आप उससे एक तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं। फेस्टिवल जब आपके बीच में आता है, तो वो न केवल हिंदी, उसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषाएं उनमें सिनेमा को लेकर आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं उनमें सिनेमा को लेकर आता है। तो जब आप उन सिनेमा से रूबरू होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि न केवल भारत में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो सिनेमा बन रहा है, उसमें किस तरह की सोशल लाइफ, किस तरह की पर्सनल लाइफ, किस तरह से चीज़ों को आपके आसपास इवॉल्व होते हुए दिखाया जा रहा है। तो आपका एक मानसिक, बौद्धिक और एक जिसे कहते हैं ना चीज़ों को समझने का जो नज़रिया है, वो बदलने लगता है। तो हर फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप लोग किस तरीके से समाज को देखते हैं। हम इंडियन सिनेमा में जब देखते हैं, तो हमें समझ में आता है एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है, एक विलन होता है, मारपीट होगी, गाने चलेंगे, उसके बाद फिल्म ख़त्म हो जाएगी। बट इंटरनेशनल सिनेमा इससे थोड़ा और ऊपर चला जाता है। क्षेत्रीय सिनेमा जो है, वो कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। तो जब फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो सिनेमा को लेयर्स में समझने लगते हैं। तो उन परतों को समझना, उनके बारे में समझना, वो कैसे फिल्म को बना रहे हैं, फिल्म के पीछे का जो सारा काम होता है, वो चाहे लाइटमैन हो, स्पॉट बॉय हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, उनकी कहानी क्या है, कितने स्ट्रगल के साथ उन्होंने एक 20 मिनट की, एक 40 मिनट की, एक 3 घंटे की मूवी को बनाया है। जब ये सब चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं, तब आपको पता लगता है कि एक्चुअल सिनेमा होता क्या है। एक 3 घंटे की मूवी को सिनेमा हॉल में देख के निकल जाना, या उस पर ताली बजा देना, या सीटी बजा देना, वो एक आसान बात है। बट उसके पीछे की मेहनत को जब आप समझने लगते हैं, तो आपको सिनेमा बड़ा लगने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिनेमा लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। तो वो जो लार्जर देन लाइफ को जो समझने वाली चीज़ है, वो आपको फेस्टिवल ही समझा सकता है। और इसमें एक सबसे ख़ास बात आप ये देखिए कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डायरेक्ट बांग्लादेश, ईरान या अमेरिका जाएं और वहाँ के कल्चर को समझें। यहाँ घर बैठे अपने शहर में बैठ के हम वहाँ की फिल्मों के थ्रू वहाँ के कल्चर को, वहाँ के सोसाइटी को अगर समझ पाएंगे, तो एक जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, वहाँ की चीज़ें हम समझ पाएंगे, हमारी चीज़ें वो समझ पाएंगे। तो इससे क्या होता है, एक म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कल्चरल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक सोसाइटल डेवलपमेंट होता है। तो फिल्म फेस्टिवल का अपने आप में एक खास महत्व है। इसी वजह से ये अपने मतलब ये विश्व का सबसे बड़ा ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी, दैनिक जागरण जहाँ जहाँ भी है, वहाँ से ट्रैवल करते करते 18 शहरों को ट्रैवल किया है और अब सिलीगुड़ी आया। सर, जैसे कि आप तब बताया कि ईरान की भी फिल्में यहाँ पे चलेगी, तो भाषा को लेकर के, जैसे कि मान लीजिए हम लोग तो ईरान भाषा का लैंग्वेज को तो नहीं पकड़ पाएंगे, इसके लिए सब टाइटल होगा। अच्छा, सब टाइटल सब। फर्स्ट टाइम सिलीगुड़ी में ये कार्निवल होने जा रहा है, कैसे उम्मीद रख रहे हैं सिलीगुड़ी वासी? हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इतनी डिमांड आ रही है पासेस की कि हमें खुद चिंता है कि कहीं ओवर क्राउड ना हो जाए और हम हर किसी को शायद सर्व ना कर पाएँ, ऐसा हालत है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये तो सुपर डुपर हिट होने जा रही है। ओपनिंग कितना बजे है और कौन हस्ती आने वाली? ये फ्राइडे शाम 4 बजे, 22 सितंबर शाम 4 बजे इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। और आप सबको पता होगा कि एक हाल ही में बांग्ला मूवी आई थी, आमी सुभाष बोलची, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो लीड कैरेक्टर प्ले किया है अनिंद बनर्जी, जो कि बॉलीवुड टॉलीवुड दोनों के एक्टर हैं, तो वो आ रहे हैं। और सबसे ख़ास बात कि वो फिल्मों पे आम दर्शकों के साथ सीधा सीधा इंटरेक्शन करेंगे,
इंटरेक्टिव सेशन होगा और आम लोग उनसे मनचाहा सवाल पूछ सकते हैं। ये 3 बजे से शुरू हो रहा है, ये इनॉग्रेशन से पहले 3 बजे से हम लोग वो बातचीत शुरू होगी और उसके बाद 4 बजे इनॉग्रेशन हो जाएगा। जो भी पासिस लेना चाहेगा उससे हमारे सालूगाड़ा में जो 2.5 माइल सेवक रोड में जीवनदीप कम्प्लेक्स है, जीवनदीप कम्प्लेक्स की बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे हमारा दैनिक जागरण सिलीगुड़ी का ऑफिस है, वहाँ जाके रिसेप्शन काउंटर से कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट पास ले सकते हैं, या आपके इर्द गिर्द दैनिक जागरण के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आपकी जान पहचान के होंगे, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट पास ले सकते हैं। सबके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? हम यही बोलेंगे कि ये बहुत ख़ास मौका है और इससे गंवाइए मत, और वैसे भी सिलीगुड़ी शहर संस्कृति प्रेमी शहर है, फिल्म प्रेमी शहर है, सिनेमा प्रेमी शहर है, यहाँ लोकल लेवल पे भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं, तो उनके लिए एक ख़ास मौका है कि वो आएँ और इंटरनेशनल लेवल की चीज़ों को समझें और ख़ुद को उस हिसाब से डेवलप करें, और आम जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनके लिए भी एक टेस्ट डेवलप करने का एक ख़ास मौका है, तो इस ख़ास मौके को हरगिज़ ना गंवाएं और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। मैं मोहम्मद इरफान आज़म, मैं यहाँ दैनिक जागरण में चीफ रिपोर्टर कम सब एडिटर हूँ, और ये हमारे नेशनल टीम दिल्ली से आए हैं दैनिक जागरण के तरुण गोस्वामी, ये दैनिक जागरण के ब्रांड एंड स्ट्रेटजी मैनेजर नेशनल। थैंक यू।